तो यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत, और आप जैसा देख सकते हैं वडोदरा मुंबई यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और ये हम चढ़ रहे हैं एक्सप्रेसवे पर अब। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और ये व्लॉग बहुत स्वागत है। और हम जा रहे हैं अलवर, और अलवर में हम लड्डू और मिल्क केक खाएंगे। और अभी ये एक्सप्रेस वे पर हम आ गए हैं, और शुरुआत हो गया, और आप हम अभी भी उसके ऊपर ही है, और उधर से व्यू देखो, और यहाँ पर भी देखो नीनी साइड पे ही है मुंबई। ये क्या बना डाला भाई इन्होंने, मतलब कार तो छोड़ो, यहाँ पे तो पूरा एक प्लेन ही लैंड हो जाएगा, क्योंकि मेरे सामने ही है। चलो, इस समय हम अलवर के बिल्कुल पास में हैं, और अलवर के पास है? हाँ हाँ बेटा, हम अलवर के पास हैं। तो कैरोलिना, ये है यहाँ पे रेस्ट, सो रेस्ट एंड सर्विसेज एरिया, विश्राम एवं सेवा क्षेत्र। तो देखते हैं उन्होंने कैसा बनाया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईवे पे आप जाते हैं तो अच्छी फैसिलिटी, खासकर टॉयलेट वगैरह सब कुछ अच्छा खासा मिलना चाहिए, तो ही मज़ा आता है। तो रेस्टोरेंट, फ्यूल पंप, एक मिनट इसको लेता हूँ मैं हाथ में, फ़ोन को, गाड़ी रोक लिया मैंने। क्या लिखा हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये लिखा है फ्यूल पंप, कार पार्किंग, रेस्टोरेंट, सर्विस एरिया, टॉयलेट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, दैट्स इंटरेस्टिंग, वो भी देखेंगे, खेलना है जाके, चलो आप खेलो। अच्छा, क्या करना है कान में? ये रहा एक्सप्रेस वे फूड जंक्शन, चलो चलते हैं यार, अंदर चलते दिखाता हूँ मैं अच्छी तरीके से सब कुछ। हैं? डायनासोर का दांत। डायनासोर का दांत? देखो इधर देखो। और देवी जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। और आप कहाँ से आए हो भाई साहब? भाई साहब मैं आपके साथ में ही हूँ, मैं कहीं और से नहीं आया हूँ। चलते हैं, जा। तो भाई प्ले एरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे जिम भी है, ओपन जिम, तो चलो भाई थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब एक्सरसाइज तो नहीं करनी मेरे को, सही बताऊँ तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अरे जी क्या बात है, बड़े बड़े भी यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, खेलने की कोई उम्र नहीं होती वैसे भी। तो बेबिन को क्या चाहिए था वो से मिल चुका है, वैसे अच्छा बनाया यार, फैमिली के साथ आते हैं तो सब कुछ ये होता है। बेबिन, गो फ्रॉम द अदर साइड। व्हाट? ओह, चलो उसका रिएक्शन देखते हैं मिलन का। हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, यस, कम ऑन, शक्ल दिखा, अपनी शक्ल दिखा। ये बहुत खुश है। गुड। हो गया क्या कह रहा है? हो गया हो गया भाई, हो गया। आपको यहाँ का मेन्यू दिखा देता हूँ, क्या है इसका नाम, अर्बन ढाबा। प्राइसेस ठीक ठाक ही हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, और ऑप्शंस ठीक ठाक हैं, साउथ इंडियन और थाली वगैरह, पर थोड़ा सा अभी सही बताऊँ तो फैसिलिटीज अभी पूरी तरह से तैयार हुई नहीं है, आप जैसा देख सकते हो। 2000 रुपये का पेट्रोल करोना ने बोल दिया है, बाकी भाई आपको मैं दिखाता हूँ, ये भाई साहब खड़े हैं सामने, और आप देख सकते हो अभी होली है, मतलब होली काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से दूर मतलब काफ़ी दिनों बाद है, और इन्होंने अभी से खेलनी शुरू कर दी है, हो सकता है किसी और ने इन पर रंग लगा दिया है, पर 2000 रुपये का पेट्रोल। पर मैं कैरोलिना को यही कहना चाह रहा था कि इस तो मैं कैरोलिना को ये समझा रहा था कि भारत के इस प्रांत में होली से कई हफ्ते पहले ही होली का जो होली खेलना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, और ये आम बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अलवर में आए हुए हैं, देखो यहाँ पर कितना सुंदर मंदिर है,
बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से पुराना शहर का पुराना भाग है, और यहाँ पर है बाबा ठाकुर दास एंड सन्स। मुझे बताया था कि यहाँ पर सबसे पुरानी अलवर की मिलके की जो दुकान है वो यही है। तो मिलन को बहुत ज़्यादा पसंद आया है गुलाब जामुन यहाँ पर। हम यहाँ पर राम बाबू मिष्ठान भंडार पर भी आ गए, और कैरोल ने कहा था कि दो दुकानों से अलग अलग जगह से हमने ले लिया है कलाकंद। इसका नाम है जगह का पंसारी बाजार घंटाघर। कैसा लगा बेटा आपको? और चाहिए आपको? पहले तो ख़त्म कर लो पूरा उसने उठा लिया चम्मच से एक बार में। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहली बार मिलन ने भी खा लिया गुलाब जामुन थोड़ा सा। हम खिलाते नहीं है वैसे से ज़्यादा मिठाई बिठाई, पर आज उसने खा ली है। बेटा दूध है इसमें। देवेन कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है वो दूध से बनता है, कह तो सही रहा है बेटा। मिलन मिलन छोड़ दे चम्मच, मिलन छोड़ दे चम्मच। अरे चम्मच नहीं है गुलाब जामुन उसे लग रहा है कि चम्मच में स्वाद आ रहा है, उसे पता नहीं गुलाब जामुन है वो, चम्मच नहीं है। बहुत मज़ा आया उसे। क्या दिख गया इसमें ऊपर? अच्छा मक्खियाँ। तो अलवर से मिल्क केक लेकर अलवर में थोड़ा सा समय बिताकर हम दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं, और कैरोलिना जी ने मेरे को बोल दिया है कि वो गाड़ी चलाना चाहती हैं यहाँ पर। तो वैसे तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, ये उनका निर्णय है, पर मैं सिर्फ बताऊँ तो थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। इसको फ़ोन को हाथ में लेता हूँ मैं। देवेन बेटा एक मिनट खोल रहा हूँ बेटे को। You sure you want to drive? Yes, I want to drive. Yay! मैं सहायता कर देता हूँ, इसको पीछे करना है ना, मैं कर देता हूँ। हमारे दो प्यारे बच्चे भी हैं गाड़ी में। Oh, come on. नहीं मैं आप पर भरोसा करता हूँ, I trust you. You sure you want to do this? Yes. Okay. एक काम करते हैं, आप गाड़ी खड़ी गाड़ी में बैठ लो और स्टीयरिंग को हिलाकर जैसे मैंने Happy? Okay, so take this. If you can take it, then no. Come on, come on. Enough is enough. What? How do you say it in Hindi? What? I know. Hata savan ki gatha. ये कहाँ से सीख लिया भाई? हटा सावन की गाथा। पर यहाँ पे यहाँ ना तो यहाँ पर सावन की गाथा। अच्छा मैं यहीं पे छोड़ रहे हो क्या? No, you can sit there. भाई यहाँ पर ना तो सावन की गाथा है, और इन्होंने तो मेरे को हटा ही दिया, मतलब ड्राइवर की सीट से। पर अब मेरे को तो कैरोलिना अपने लिए सीट को एडजस्ट कर रही हैं, और बेबिन भी बिल्कुल आश्चर्यचकित है। आपको डर लग रहा है क्या? और बाकी मेरी शक्ल पर तब देख रहे हैं, 12 बजे हुए हैं। एक बार फिर से कैरोलिना गाड़ी को समझ रही हैं किस प्रकार से चलानी है, और गाड़ी का इंजन तैयार, कैरोलिना भी तैयार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार, और इस प्रकार से कैरोलिना ऐसा अनुभव कर रही हैं। बहुत अच्छा, यू नो आई रियली मिस्ड ड्राइविंग, सो नाइस। द रोड इज गुड। सो डू यू थिंक इट इज द बेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया? अमंग द बेस्ट, या अमंग द बेस्ट वंस।